क्रिकेट की पुकार, पूरी कौम हम आवाज, पूरा मुल्क क्रिकेट की बोली बोलने लगा। ग्रीन शर्ट्स की हौसला अफजाई के लिए शायकीन का जबरदस्त जोश और खरोश, बच्चों की खसूसी तैयारी, फैंस शाहीनों की फतह के लिए पुर उम्मीद। वजीर दाखिला की सरबराही में हुकूमत की मुजाकरती टीम की कोर्ट लखपत जेल आमद, मजहबी जमात के सरबराह साद रिज़वी से मुजाकरात, कारकुनों को एहतजाज से रोकें, शेख रशीद का मुतालबा। झड़पों में शहीद दोनों पुलिस एहलकारों की नमाज जनासा अदा। मजहबी जमात का मार्च मुरीद के पहुंच गया, मुजाहरीन रुकावटें हटाते हुए आगे बढ़ने लगे। जीटी रोड पर जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए। वजीराबाद के करीब जीटी रोड पर खुंदक खोदी गई, मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और मुजाहरीन में झड़पें। मजहबी जमात का एहतजाज गुजरावाला, वजीराबाद गुजरात का मौके में इंटरनेट सर्विस मअतल, सर्विस ताहुक्म सानी मअतल रहेगी, वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म तीन रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए, इमरान खान की अहलिया के साथ रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी, मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म जद्दा पहुँच गए, सऊदी क़यादत से मुलाकात। वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुसाफी होने की खबरें गर्दिश करने लगी, जाम कमाल ने इस्तीफा देने की तरदीद कर दी। वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कल हो। कराची में एंटी नार्को टैक्स फोर्स का समाजी रहनुमा सालिम बर्नी की रिहायशगाह पर छापा, सालिम बर्नी का कहना है तीन गाड़ियों में सवार 15 से 20 अफराद आए, घर की तलाशी ली और कहा गलती हो गई, अब दबाव डाला जा रहा है कि मामला खत्म करो। और सियालकोट में झालावाड़ी, लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, ठंडी हवाएं चलने लगी, इस्लामाबाद मरी पेशावर में भी बारिश और ओले पड़े।